कोरोना महामारी इस बार भी होली की रंगत को फीका करने में कोई कमी नहीं छोड़ रही। पिछले वर्ष भी होली के त्योहार को नजर लगी और इस बार फिर महामारी रंगों की रंगत को निश्चित तौर पर फीका करने की पुरजोर तैयारी में है। बता दें कि पिछले वर्ष भी कोरोना विस्फोट ने त्योहार को फीका किया और कोरोना के चौंकाने वाले आंकड़ों के बीच दुकानदार ग्राहकों की टकटकी लगाकर बैठा है। साथ ही खरगोन में रविवार को लॉकडाउन के फैसले के बाद आमजन काफी भयभीत हैं और दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद दिख रही है। साथ ही दुकानदार बदहाली के आंसू रो रहे हैं। इस दौरान दुकानदार ने बताया कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने पिछले वर्ष भी व्यापार को चौपट किया और एक बार फिर स्थिति को देखकर काफी भयभीत हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हालत बहुत खराब चल रही है और इस वजह से हमारा धंधा बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। माल के पैसे नहीं खड़े हो रहे हैं और पिछले साल में लॉकडाउन था, इस साल भी लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। इस वजह से पूरा व्यापार ठप पड़ा हुआ है और कोरोना अलग करता आ रहा है हमारे साथ। इस वजह से बहुत व्यापार बहुत बंद पड़ा हुआ है। क्या माल कहाँ से खरीद के ले? क्या माल हम इंदौर से लाते हैं सर, इंदौर की बंदी की पड़ती है हमको। इस वजह से पूरा व्यापार ठप पड़ा हुआ है। गिरा के आ नहीं रही है, गिरा के आ नहीं रही है। गावड़ा गाँव की पब्लिक बिल्कुल डरी हुई है, कोरोना वायरस से डरी हुई है। इस वजह से बहुत क्या नाम है आपका? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।